कुछ लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है, इसके लिए लोग वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी की जांच भी करा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी जांच की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अगर वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी तो इम्यूनोलॉजिस्ट से संपर्क करने के बाद आपको पैथोलॉजिस्ट से पूरी जाँच करानी चाहिए। वायरस की जो संरचना होती है या वायरस में जो प्रोटीन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन को पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। जब वायरस म्यूटेट या जब वायरस में म्यूटेशन होता है तो वायरस अपने प्रोटीन की आकृति बदल लेता है। जाने क्या है एंटीबॉडी टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और ये जानना चाहता है कि उसे ये बात आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट के जरिए पता चलती है कि वहीं अगर मरीज ने कोरोना वायरस को मात दे दी है या फिर उसने वैक्सीनेशन करा लिया है तो उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। इस एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए पता चलता है कि क्या आपके शरीर में कोविड वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल कर ली है या नहीं। क्यों किया जाता है एंटीबॉडी टेस्ट। एक्सपर्ट का कहना है कि एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है। इसके अलावा इस टेस्ट के जरिए ये भी देखा जा सकता है कि आपने जो वैक्सीन ली है वो काफी है या इसे फिर से लगवाने की जरूरत है। वहीं अगर आप इस वायरस से ठीक हो जाएं तो आप एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए एंटीबॉडी की मात्रा शरीर में कितनी है ये भी पता लगाया जा सकता है। एंटीबॉडी टेस्ट किसी भी व्यक्ति का तब किया जाता है जब व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका हो। एंटीबॉडी हमारे सलाइवा पर भी मौजूद होती है, लेकिन ये टेस्ट उतना ज्यादा असरदार नहीं माना जाता। इसके लिए सही टेस्ट आपके ब्लड के जरिए ही किया जाता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।